बिहार के अंदर सबसे ज्यादा उस राज्य में होने की। मैं आपका दोस्त चंदन और वेलकम इन माय चैनल एके मंडल। कहते हैं कि मैं तकरीबन एक दो महीने के बाद आपके सामने फिर से एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। और आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो बर्निंग मुद्दा है वो बिहार के अंदर है, और वो रिलेटेड है जो रूमर्स है तमिलनाडु में। जैसा कि आपने देखा कि बिहार के लोग जो हैं, जो माइग्रेंट लेबरर है, उसके साथ एट्रोसिटी हुआ है, उसके साथ मतलब मारपीट हुआ है। और जो सोशल मीडिया का काम होता है, किसी चीज़ को आप जब सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं तो एविडेंस के साथ बहुत ज़रूरी है। आपके पास एविडेंस क्या है? आप जब भी कोई चीज़ देखते हैं सोशल मीडिया पे, मेरी एडवाइस है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, आप जाके चेक करें उसको, वो सही न्यूज़ है या नहीं है। आज की डेट में यही हुआ है कि बिहार के अंदर एक अफवाह, रूमर्स फैलाया गया कि बिहारी मजदूरों को वहाँ मारा जा रहा है। आप जानते हैं, मजदूर की जब बात होती है वी रिस्पेक्ट एवरी ह्यूमन बींग, बट अगेन दे आर वेरी मच इलिटरेट, और जिसकी वजह से ये न्यूज़ बहुत आसानी से फैलाने में लोग कामयाब हो जाते हैं, अफवाह फैलाने में बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। और बिहार के अंदर जो आज विवादित बयान है लोगों का, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि बिहारी मजदूरों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, वहाँ से भगा रहे हैं। तो मेरा मानना है, एक सोशल मीडिया का एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेज भी बहुत है आज की डेट में सोसाइटी में। बिहार के अंदर कोई भी सन ऑफ बिहार बन पा रहा है और कहीं चेक नहीं करना है कि मीडिया से रिलेटेड इन्होंने क्या कोर्स किया है। ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं कोई मीडिया नहीं हूँ, बट मैंने बहुत देख लिया सोशल मीडिया पर जिस तरह से अफवाह फैला राज्य की छवि को, वो मुझे लगता है कि हर आदमी को बायकॉट करना चाहिए इस चीज़ों का, और गहन से जांच करने की ज़रूरत है। आप कुछ भी चीज़ें देखते हैं, आप आंख बंद करके शेयर मत कीजिए, आप ब्लाइंडली फैन किसी का मत हो जाइए, आप उस चीज़ों को क्रॉस चेक कीजिए, उस चीज़ों को देखिए कि वो क्या दिखा रहे हैं और क्या जो इस तरह का अफवाह है वो सही है। आज की डेट में इस तरह का बयान देना कि बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जिस तरह तमिलनाडु सरकार आई और इसके फेवर में बात बोली, किसी के पास इस तरह का एविडेंस है तो आप मुझे बताएं, मैं कार्रवाई करूंगा। और जितने सारे वीडियो पाए गए सारे फेक हैं। कुछ घटना हो सकती है, हर जगह होता है, हिंदुस्तान के सारे राज्य में होता है, डोमिनेशन लोकल का हर जगह होता है, आप इस चीज़ों को जानते हैं। बिहार में भी जो बाहर के लोग जाएंगे उनको रहने का फ्रीडम तो है, डेमोक्रेसी देती है, लेकिन ऊंच नीच तो होते रहता, थोड़ी ऊंच नीच होती रहती। लेकिन इस तरह का कि टारगेट किया जा रहा राज्य के होने के बावजूद, मुझे लगता है दिस इज़ अ फेक न्यूज़। तो सन ऑफ बिहार आप जैसे बोलते हैं, उसके चैनल के माध्यम से इस तरह का न्यूज़ फैलाना कि बिहारी बंदों को टारगेट किया जा रहा है, कोई सा भी गवर्नमेंट है आप उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो आम आदमी के बीच में एक डर का माहौल बना देना कि नहीं वहाँ पे मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, पलायन करने के लिए मजबूर कर देना, कोई भी आदमी कहीं गया है मजबूरी से गया, वो काम कर रहा है, लेट देम एंजॉय देयर लिविंग लाइफ, लेकिन इस तरह का टारगेट करना, सोशल मीडिया पर उठा के कुछ भी डाल देना, आज की डेट में हर कोई सेलिब्रिटी है, जो आता है मन में वो डाल देता है। लेकिन मैं एज ए आम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री रिक्वेस्ट करना चाहूँगा तमाम दोस्तों को, जब भी आप ऐसी चीज़ें देखते हैं आप गूगल जब में सर्च करें, उस चीज़ों का एविडेंस देखें कि ये सच में ऐसा हुआ है या एक अफवाह है। अफवाह जो रूमर्स है उसे इस तरह का शेयर मत करें, और यदि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जवाबदेही बनती है इस तरह के न्यूज़ को फैलाने में। तो आप उसी बंदे को सपोर्ट करें जो डिज़र्व करता है, जो अच्छी चीज़ें दिखाएं। सिंस आई एम कमिंग फ्रॉम बिहार, लोग आप देखें साउथ की मूवी को ऑस्कर तक के लिए नॉमिनेट हो रहा है और हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री है ढोड़ी और चोली से बाहर नहीं निकल पाता है। तो जो अश्लीलता है वो बहुत बड़ी टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे। ये सारा सोशल मीडिया का ही असर है जो आम समाज के अंदर इसका डिसएडवांटेज उठा के बहुत हद तक समाज को प्रभावित कर रहा है। जो आम नागरिक है, जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं, जो युवा हैं, जो युवतियाँ हैं, जो कपल्स हैं, इवन जो टीनेजर्स हैं, वो सबके लाइफ को प्रभावित कर रहा है। तो आप जब भी सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जब भी आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, जब फेसबुक चलाते हैं, आप कहीं पे भी हैं, आप अच्छी चीज़ें देखें, बार बार ऐसी चीज़ों को शेयर मत करें, दूसरों को देखने में आप हेल्प ना करें, इस चीज़ों को बायकॉट करें, एक समाज के अंदर एक अच्छी चीज़ें लाएं। ये मेरा राय है, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। क्या कहता ना, सन ऑफ बिहार यू आर नॉट इवन टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी बिहारी। तो ये चीज़ों पर कार्रवाई होने की ज़रूरत है, और मुझे लगता है कि सरकार की जवाबदेही प्लस आम नागरिक की ज़्यादा जवाबदेही बनती है। आप इस चीज़ों को शेयर ना करें। मीडिया का काम होता है एक सही और गलत चीज़ों को आकलन करके पोस्ट करना, उसके बारे में बारीकी से जांच करना और फिर डालना, क्रॉस चेक करना। आप कुछ भी बोल देते हैं आके, आप व्यू के लिए इतना गिर जाएगा इंसान, और तमाम ऑडियंस का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही बनता है, इतना व्यू आता कहाँ से। यानी कि आपकी कहीं ना कहीं जवाबदेही उस तमाम यूट्यूबर से ज़्यादा बनती है एज ए व्यूअर्स, कि आप किस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बिहार जैसे राज्य में आज भी आप कंपेयर करेंगे बाकी राज्यों से, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अक्नॉलेज करना पड़ेगा, जो लिटरेसी रेट है, जो पॉवर्टी है,
ये सब का कारण क्या है? जो लाइफ स्टैंडर्ड, जो लाइफ लिविंग लिविंग स्टैंडर्ड है, इतना बॉटम पे हम लोग हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है जो आम नागरिक है, जो आम शहरी है, वहाँ पे आप देखेंगे वो बहुत बड़ा योगदान है उसका इस चीज़ों को पीछे होने में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मुझे ग्रो करना है। उसकी लाइफ स्टाइल आप दिल्ली से कंपेयर करें, बिहार को 100 साल पीछे है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन बिहार विच इज़ वेरी फेमस एंड आई एम देर इज़ अ ग्रेट हिस्ट्री देयर, बट अगेन जो वहाँ का ऑडियंस है, जिस चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो स्प्रेड कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और उसके अंदर न्यूडिटी आ रहा है। आप चाहे भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें, आप चाहे सोशल मीडिया में जो सन ऑफ बिहार जो मनीष कश्यप ने अभी डाला था, ऐसे ऐसे यूट्यूबर हैं आज की डेट में, आप उसके खिलाफ़ बोल ही नहीं सकते। आप स्क्रॉल कर दिए जाएंगे आप यूट्यूब पे, आपको गालियाँ पड़ेगी। तो इसका यही कारण है कि लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं। आप कास्ट, क्रीड, रिलीजन से बाहर निकलिए, लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो डिज़र्व करता है उसे आप सपोर्ट कीजिए। मेरा तो यही मानना है। मैं कोई बहुत जाके सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें पोस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अवेयरनेस सोसाइटी के अंदर फैलाया जाए और इस चीज़ों को स्प्रेड किया जाए। अच्छी चीज़ें हैं तो उसे शेयर करें, पोस्ट करें, बुरी चीज़ें हैं उसे डिसलाइक करें और अनफॉलो करें। मैं ये नहीं किसी के खिलाफ हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन विद एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू पोस्ट इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन जो आपके बच्चे के लिए भी सही है, आपके लिए भी सही है और आपकी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छी है। आप तभी ग्रो करेंगे, बाकी ये सरकार की जवाबदेही है। स्टेट कैसे आगे बढ़ेगी, दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन और दिस इज़ नॉट माई जॉब टू डू दिस, बट अगेन आई एम वेरी मच अपसेट व्हेन आई सी सच ए पोस्ट ऑन सोशल मीडिया स्प्रेडिंग ऑल अक्रॉस रूमर्स अक्रॉस द कंट्री एंड टारगेटिंग द बिहारी पीपल। दिस इज जस्ट लाइक रूमर्स एंड मैं फील किया हूँ, मैं हमेशा बाहर रहा हूँ राज्यों में, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ। आप हरियाणा जाएँ, पंजाब जाएँ, हिमाचल जाएँ, लोग बड़ी ओवरवेलमिंग है, लोग बहुत सपोर्टिव है। अच्छी बुरी चीज़ें हर जगह होती है, मैंने तो कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन ऑन बेसिस ऑफ कि आप बाकी राज्यों से हैं ऐसा नहीं देखा है। आप बिहार के अंदर जो सबसे बड़ा मसला है आज की डेट में वो ये है कि बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना क्रॉस चेक किए हुए किसी को भी सेलिब्रिटी बना देना और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लेना। बॉलीवुड का सॉन्ग इतना अच्छा सॉन्ग आता है, उस पर व्यू नहीं जाता, और आप एक देखें ढोरी और चोली वाला सॉन्ग आता है, उस पर मिलियन मिलियन। आप इस चीज़ों को स्प्रेड करना चाहते हैं, आपके बच्चे के लिए वो सही नहीं है। आप इतने गंदे गाने बजा रहे हैं, आप बाहर निकलिए, आप रोड पे निकलिए, आपको गाना सुन के लगेगा कि गोली से शूट किया जाए, लेकिन आप कर नहीं सकते क्योंकि सोसाइटी में मोस्ट मेजोरिटी ऐसी लोगों की है, लोग यही सुनना पसंद करते हैं। शादियों में कितना गाना, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उस पर तो मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन अभी मेरा मुद्दा है कि आप क्या शेयर कर रहे हैं, क्या सब्सक्राइब कर रखा आपने और क्या करना चाहते हैं आपके राज्य के लिए। बोलने से कुछ नहीं होता, वी आर प्राउड टू बी बिहारी, ब्रांड बिहारी आपको प्रमोट कर रहे हैं। आप जब तक आप उस चीज़ों को साबित ना करेंगे, आप बाकी राज्यों में जाइए, हरियाणा जाइए, पंजाब जाइए, कंपेयर कीजिए आप बिहार को, अब बहुत पीछे हैं हम। इस चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, और सिर्फ गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बाकी आम शहरी का बहुत बड़ा योगदान आना चाहिए। लोगों को लिटरेसी रेट से बहुत कुछ लेना देना है। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आप भोजपुरी गाना सुनेंगे, सरकार ये कि नहीं बताएगी कि आपको ये नहीं करना। तो ये मेरा व्यक्तिगत राय है। अगेन, यदि इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।